गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे 12:20। मैंने अभी तक ब्लॉग शुरुआत नहीं किया था, बट अभी मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है। आज सुबह से हमने बहुत सारे काम किए, जैसे कि अभी एक कूलर, डक्ट वाला कूलर लगा दिया है और बहुत सारे काम किए। ग्रेट सक्सेस। इनका डांस देख के कैसा लगा भाई, कमेंट में बताना। तो आज हमारे घर में, कल हम लोग ने चिकन नहीं खाया था क्योंकि कल मंडे था, तो आज हम लोग खा रहे हैं चिकन। मम्मी बना रही है चिकन जो। सो अभी हम लोग फट से नहा लेते हैं और बहुत सारे आज काम करने हैं रिगार्डिंग माय कॉलेज। बहुत सारे असाइनमेंट्स लिखने और साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी, क्योंकि एग्ज़ाम पास आने वाली है। हम पढ़ाई भी करते हैं ना, पढ़ाई वाले अच्छे हैं। बहुत से लोग पूछे भाई तुम पढ़ाई नहीं करते हो क्या, तो ऑब्वियसली पढ़ाई करना पड़ेगा अभी एग्ज़ाम पास में आ रही है। सो अभी तो हम लोग सबसे पहले नहाने जाते हैं, फिर खाना खाएंगे, उसके बाद आज जिम भी जाएंगे। आज जिम था मतलब संडे और मंडे को हमने, जैसे संडे का तो जिम होता भी नहीं है, बट मंडे को कल छुट्टी थी जिम की, दो दिन गैप हो गए, तो आज बढ़िया से वर्कआउट करेंगे और आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। सो बने रहो इस व्लॉग में, नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। हेलो गाइस, तो शायद आज व्लॉग नहीं हो पाया बिकॉज मेरा थोड़ा मतलब मैं डाउन फील कर रहा था। अब इसके पीछे की स्टोरी सुनो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली डिज़ाइनिंग फील्ड या फिर प्रैक्टिकलिटी, जो मतलब जो चीज़ होती है, लाइक जो आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करनी होती है, वो सब चीज़ों पे डिपेंड होती है। तो ये चीज़ मेरे साथ एक साल पहले से ये चीज़ हो रही है, मतलब लगभग ये चीज़ एक साल हो गया लगभग। जैसे कि आप लोग को बताओ कि मैं एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ, तो हमारे आर्किटेक्चर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है वो होता है डिज़ाइन। बेसिकली वही होता है जहाँ से हम प्लानिंग एंड ऑल सीखते हैं। तो चीज़ ऐसी हो गई थी ना कि लॉकडाउन की वजह से, आई नो दैट कि स्टार्टिंग के फेज में सभी को डिफ़िकल्टीज गई, लाइक एक्सप्लेन करने में, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को उसको समझने में कि यार ये चीज़ क्या हो रही है ना, क्योंकि ऑनलाइन में आपको उतना समझ में आता, आप उतना नहीं पढ़ा पाते। बट नाउ इट्स इन वन ईयर, और इस एक साल में बहुत सी चीज़ें बदल गई है यार। लाइक अब ऑलमोस्ट जो एडुकेशन है वो ऑनलाइन में शिफ्ट हो चुका है। तो अभी क्या हुआ ना कि बेसिकली मेरे जो कॉलेज है, मेरे कॉलेज में पर्सनली, यहाँ पे अपने कॉलेज को हेट नहीं दे रहा हूँ, देखो मैं नहीं जानता कि ये मेरे ब्लॉग, वैसे तो ज़्यादा लोग देखते नहीं है इसको, बट अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि जो भी देखता हूँ, आई डोंट नो कि इसको लोग सही में लो आए, होता है ऐसे कुछ लोग कि इसको शेयर कर दे टीचर्स के साथ या फिर कॉलेज, मतलब आई डोंट केयर, बट ये चीज़ मैं हेट नहीं फैला रहा हूँ, आपको ये सुननी चाहिए। अब क्या है कि हमारा कॉलेज जो है जून में आई थिंक सो ये स्टार्ट हो गया था लगभग, वहाँ पे भी ये चीज़ हुई कि ठीक है अपना टीचर्स भी हम 100% नहीं दे रहे थे, बट ठीक है पढ़ा रहे थे। बट यार तुम ये चीज़ समझो ना कि जब आपका नेट इशू हो सकता है तो बच्चे का भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर से बच्चा कह रहा है कि नेट इशू है, तो यू कांट कि से यार तुम नहीं बोल सकते उसको कि तुम नाटक कर रहे हो, अब हम लोग तुम लोग को तो बोल रहे थे, अब तो तुम्हारा नेट इशू हो गई। हाँ, वो चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, लाइक बच्चे बदमाश होते हैं और कहते हैं कि नेट उसे नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें फैक्टर है, बट ये चीज़ें सही भी तो हो सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि यार अब जो चीज़ें हुई, मतलब ये दिस इज़ माय सेकंड ईयर, थर्ड सेम ऑफ आर्किटेक्चर, तो सेकंड सेम तो ऐसे ही कैसे भी निकल गई, मुझे सेकंड सेम भी नहीं आता लिटरली, आई एम टेलिंग यू। मैं क्योंकि मेरे को हीरो बन के या फिर ज़्यादा होशियार दिखा के मेरे को कोई मतलब नहीं दिखना है कि यार मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को सेकंड सेम का कुछ नहीं आता है। थर्ड सेम आई डोंट नो व्हाट थर्ड सेम में क्या हुआ, आई वाज लाइक कि आई एम जस्ट डूइंग सबमिशन, ग्राफिक्स आता है क्योंकि ग्राफिक्स मैंने किया है, बाकी कंस्ट्रक्शन आई डोंट नो अबाउट कंस्ट्रक्शन पता नहीं कैसे कैसे क्लास में कुछ नहीं समझा। अगेन द थिंग इज दैट कि जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो मैंने खुद से सीखे हैं, मुझे किसी पर्टिकुलर रोल नहीं रहा है, बट माई कंप्यूटर जो जितने भी मेरे कंप्यूटर के मेंटर्स थे वो बहुत अच्छे, पर्सनली जब भी मेरे को डाउट रहा है, जब भी उन्होंने मेरे को लाइक पर्सनली गाइडेंस किया है, वो खुद पर्सनली मीटिंग की लिंक भेजते थे और मुझे पर्सनली सिखाया भी जो जो चीज़ मुझे नहीं आती थी, बट मेजर पार्ट मैंने कवर किया था। बट तब भी चलो कि इसमें कॉलेज वाले अच्छे हैं कंप्यूटर्स में। बाकी जो चीज़ हुई स्ट्रक्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर्किटेक्चर, वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू, बिकॉज स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत से बच्चों की उसमें फेल हो जाते हैं बच्चे स्ट्रक्चर की क्लास। देखो मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, लाइक इस वीडियो के थ्रू मैं बोलना चाहता हूँ कि सही में मेरी स्ट्रक्चर की क्लास हुई नहीं। आप वीडियो बना के भेज रहे हो, वीडियो में आपके वीडियो के थ्रू आपकी कभी कभी आवाज़ भी नहीं आ रही, क्या समझ में आएगा बच्चों को, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं लिए, आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लेक्चर्स भेजे,
क्या 2-3 लेक्चर इज इनफ थर्ड सेमेस्टर में? आई डोंट थिंक सो. और उसके बाद भी जो चीज़ें हुई लाइक बहुत हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, मेंटर अच्छे थे बट क्लास रेगुलरिटी नहीं होने की वजह से स्टार्टिंग में समझ में आया, काफ़ी बढ़िया समझ में आया, बट वो लिंक जब टूटते गई तो फिर वो भी वैनिक्यूश हो गया, पूरा वैनिश हो गया, ख़त्म, सब पार्ट हो गया, सर्वसंपल. तो ऐसा कुछ मेरा थर्ड सेमेस्टर आया और आज ऐसा हुआ कि बेसिकली मेरे को नया, मैंने कहा था कि जैसा अगर से अपने ब्लॉग्स देखते हो या तो मैंने उसमें बताया था कि यार हमारी डिज़ाइन की क्लास है तो चलो क्लास अटेंड करते हैं, हम भी एक्साइटेड कि क्या होना डिज़ाइन की क्लास में, बिकॉज डिज़ाइन इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट. तो अब ऐसा हो रहा है कि मेरे को डिज़ाइन से इंटरेस्ट जा रहा है, क्योंकि आप जिस तरीके से लाइक मतलब आप मीन्स जो टीचर जिस तरीके से उसको प्रेजेंट करे पढ़ा रहे. देखो मैं समझता हूँ कि लैंग्वेज इज जस्ट फॉर कम्युनिकेशन. भाई वो मैम क्या इंग्लिश में बोले थे मेरे को कुछ समझ में आया, ऐसा नहीं कि मेरे को इंग्लिश नहीं समझती है, ऑब्वियसली समझती है यार, मतलब क्या बोलना चाहती है वो उनको ही पता. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर आप हिंदी में बात करते, हिंदी में एक्सप्लेन करते तो अच्छा होता ना, 2 घंटे बर्बाद हो गए, कुछ नहीं समझ में, कुछ भी नहीं काम का, उसने बोला कुछ काम का नहीं था, ये बंदो की क्लास में क्या चल रहा है मुझे ये भी अच्छा नहीं समझ में नहीं आ रहा है, कॉलेज में क्या चल रहा है मुझे ये सख्त नहीं समझ में आ रहा कि कॉलेज कैसे चल रहा है. बेसिकली यार ठीक है, समझता है कि कोविड है, ऑनलाइन है, बट कब तक, 1 साल हो गया ना. हमारे कॉलेज वाले भी ऐसे कि कल मतलब सबमिशन देना है और आप लोग आज सुबह 9 बजे या फिर 10 बजे या फिर दोपहर को 12 बजे बेसिकली तुम अप्लीकेशन भेजते हो यार कि कल तुमको कॉलेज में आना. हाउ कैन इट पॉसिबल कि हम कॉलेज में आए, मैं तो लोकलाइट नहीं हूँ कि मैं कॉलेज में रहता हूँ. तो देर आर सेवरल थिंग्स, ये शायद आपके कॉलेज वालों के साथ भी होता होगा, मतलब शायद सॉरी मतलब ये चीज़ आपके साथ भी होती होगी कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं मेरे साथ से 1 साल से हो रही है. तो इस चीज़ की वजह से मैं आज व्लॉग भी नहीं कर पाया, मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. क्या मतलब देखो मैं अपने एज एन प्रोफेशनल लाइफ में मतलब अपने पैशन लाइफ में जहाँ पे बेसिकली मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, वो चीज़ में मैं अच्छा कर रहा हूँ, मतलब अच्छा मतलब मैं अपने हिसाब से अच्छा कर रहा हूँ. मैं वहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, मैं अभी कोई नंबर तक पहुँचा हूँ. मैं नंबर की बात मतलब सब्सक्राइबर से नहीं कर रहा हूँ, मेरे खुद के कुछ पॉइंट्स होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं, मैं उसको अचीव कर पा रहा हूँ. बट मेरे प्रोफेशनल लाइफ में एज एन आर्किटेक्ट के लाइफ में ओके ठीक है, मैं खुद सीख भी रहा हूँ इधर, बट जो चीज़ मुझे कॉलेज से चाहिए और जो चीज़ मैं और सीखना चाहता हूँ वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है. ऐसा लग रहा है कि मैं 1 साल से कुछ नहीं किया हूँ, आई एम जस्ट लाइक न्यूट्रल. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील होता है एक स्टूडेंट को. आई नो दैट कि इस ब्लॉग से आप तक क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट ये बात समझने की कोशिश करो कि यार हर जगह आप लाइक पैसे देके एजुकेशन को धंधा बना रहे हो, ये चीज़ अच्छी नहीं है. यू शुड कि हम लोग को पता है एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं कहूँगा कि आप कुछ बोल भी नहीं सकते. क्यों? क्योंकि फिर बाद में आपके इंटरनल्स कम हो जाते हैं. देखो ये चीज़ मैं खुले में बोल रहा हूँ, आप कुछ बोलोगे तो आप सामने आ जाते हो, फिर आपके इंटरनल्स कम हो जाते हैं, तो वो चीज़ आप नहीं बोल सकते कि यार ये ना अच्छा नहीं पढ़ाती मैम, नहीं बोल सकते आप. ऑब्वियसली आपको आप किसी के ईगो को हर्ट नहीं कर सकते. थिंग इज दैट आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस ज़्यादा चीज़ को खींचना चाहिए. मैं जानता हूँ कि आप मैं क्या बोलना क्या बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो, बट सो फार सो गुड. अभी मैं थोड़ा असाइनमेंट लिख लेता हूँ कॉलेज का, ऑब्वियसली असाइनमेंट देके सबमिट करना है जिसके बदौलत मुझे मार्क्स मिलेंगे. तो चलो चलते हैं, अब काम करते हैं. आई थिंक सो कि आपका दिन बहुत अच्छा गया आज का. नया तो यार सब्सक्राइब करो, हमारे ऐसे ब्लॉग्स बिल्कुल नहीं होते, हमारे ब्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. अगर आपने होली वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो होली वाला ब्लॉग जाके देखो, बहुत मुझे तो बहुत मज़ा आया, स्पेशली जब मैंने ब्लॉग एडिट किया उसके बाद बना तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया. आई थिंक सो कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा जिन्होंने देखा, जिन्होंने नहीं देखा तो होली वाला ब्लॉग जाके देखो, बहुत मज़ेदार है. तो कल हम बढ़िया से ब्लॉगिंग करेंगे. आज के लिए बस इतना ही, बाय.